से आए, बोल बताइए बताइए, यस और नो बोल के बताइए, ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है डॉक्यूमेंट? सर। सब लोगों को दिख रहा है ना? हाँ इट सर, मीन्स यस जियो फाइबर यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है। हाँ चलिए सर। ठीक है, तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर हमने जो करंट पिछले करीब साल भर में, नियरली साल भर में जो भी कुछ चेंजेस हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स के फील्ड में, उसको हमने इसमें इंकॉर्पोरेट किया और कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में हम देखेंगे, जिससे कि थोड़ा सा इस बेसिस पर याद भी रहेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन जो है उसके अंदर का मान लीजिए ऑप्शंस कुछ इस तरह के हैं कि हर ऑप्शन के बारे में अगर हम विचार करते हैं तो इट मल्टीप्लाई टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, अगर हमने 50 क्वेश्चन लिखे हैं और उसमें से अब 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम जिनके ऑप्शंस को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो वो बढ़ जाते हैं फिर, तो और टू दी पॉइंट हो जाता है ये, तो इसलिए आपसे इसका कम स्टेट टू द क्वेश्चंस दो पार्ट में है बेसिकली। एक आप देख रहे हैं कि 35 क्वेश्चन हमने करंट के इसमें रखे हैं और 15 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक के रखे हैं। स्टैटिक का भी एक जनरल डॉक्यूमेंट हमने बनाया, उसको भी हम आपके सामने डिस्प्ले करेंगे, उसको भी देखिएगा। और कुछ जनरल नॉलेज आप लोग खुद से भी कैरी कर रहे होंगे पिछले इतने सालों से पढ़ रहे हो, तो जैसे कि भाई कोई भी स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है आपका, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, उसके जनरल टर्म्स तो नियरली सबको पता ही होते हैं, और जो स्पेसिफिक कुछ टर्म्स हैं उनको स्पेसिफिक रीडिंग से कुछ हम पता कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जो अभी अक्टूबर और नवंबर में नेशनल गेम्स होने वाले थे, यानी इसी महीने में अक्टूबर और नवंबर में वो शेड्यूल्ड थे 2020 में, और 36th नेशनल गेम थे ये, और ये कहाँ शेड्यूल्ड थे? ये गोवा के अंदर शेड्यूल्ड थे, ठीक है। अब ये जो गेम्स हैं ये पोस्टपोन कर दिए गए हैं, अब ये अभी इस पर कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि कब रीशेड्यूल होकर के कब हेल्ड होंगे। तो व्हेन वाज द 36th नेशनल गेम ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2020? इट वाज इन गोवा, ये गोवा में होने वाले, ठीक है जी। एक क्वेश्चन तो ये बनता है जिसको हम याद रख सकते हैं या जो पूछा जा सकता है आपके जनवरी में और फरवरी में या दिसंबर में होने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। उसके बाद अब आती है बात क्वेश्चन नंबर टू कि विच कंट्रीज क्रिकेट टीम वोन द वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है T20 का, वुमेन्स का 2020 में वो किस कंट्री ने जीता? थोड़ा सा बताएं किसने जीता, कुछ याद है, कुछ न्यूज वगैरह ऑस्ट्रेलिया देख? ऑस्ट्रेलिया हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बट पूछे गए हैं तो इसलिए हमने आपसे ये डिस्कस किया है। तो इसका जो हम देख सकते हैं कि एक मिनट से थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ये, तो जी यहाँ तो हो गया गोवा और यहाँ हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। तो इसका जो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये सब क्रिकेट खेलने वाली कंट्रीज हैं, ठीक है। इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका सब क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वोन द ESPN फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर? 3 साल लगातार कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने जो अवार्ड है वो जीता है स्पेशली फीमेल कैटेगरी में? तो वो अब इसमें अलग अलग स्पोर्ट्स कैटेगरी की स्पोर्ट्स वुमेन हैं, जैसे मैरी कॉम है, ये मैरी कॉम किस स्पोर्ट्स की है? बॉक्सिंग बॉक्सिंग ना ना, कुश्ती की है। आपको नहीं लगता है कि रेसलिंग की है? मुझे लगता है शायद ये हैवी वेट भी करती है। पक्का मैरी कॉम सब जानते हैं, वो भी बनी है, सिर्फ बॉक्सिंग की है, हाँ ठीक सर, है प्रियंका जी। चोपड़ा। हाँ प्रियंका चोपड़ा है ना, इनसे रिलेटेड है कि भाई जो मूवी बनी है वो बॉक्सिंग पर बनी है, मैरी कॉम के ऊपर। उसके बाद पीवी सिंधु, इनके बारे में भी सब जानते हैं, साइना नेहवाल इनके बारे में भी जानते हैं, साइना मिर्जा, सानिया मिर्जा इनके बारे में भी जानते हैं, ये जुड़ी हुई है किससे? लॉन बैडमिंटन टेनिस से। साइना नेहवाल बैडमिंटन बैडमिंटन और पीवी सिंधु बैडमिंटन। तो इसका जो जो ऑप्शन है जो हमें याद रखना है, पीवी सिंधु एक ऐसी स्पोर्ट्स वुमेन है जिन्हें कंसेक्यूटिवली
थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर में उन्हें जो है ESPN फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो ये बस एक ये याद रखना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं इस बार। हम देखते हैं कि हाउ लॉन्ग हाउ मेनी मोर क्वेश्चंस वी कैन इनकॉर्पोरेट, हम उसको और भी ज्यादा इनकॉर्पोरेट करेंगे रेटिंग कंटिन्यूसली, कि हमारे मैक्सिमम चांसेस हो कि हमारे क्वेश्चन जो हैं जो हम करें तो वो आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। नियरली चाहे तो वो हमारे ऑप्शन से बन के आए, चाहे तो वो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन से बन के आए। ए लॉट ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल। तो उसके बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री इज टू होस्ट एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप इन 2020। जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है ये बता दूं आपको मैं कि फीफा के अंडर में आती है ना, फीफा के अंडर में आती है। और ये एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन एशियन कप जो 2020 में हेल्ड होने वाला था, वो कौन सा कंट्री इसको होस्ट करने वाला था, ये अब इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आप इसे देख लीजिए, वो इंडिया था। ठीक है जी, 2022 में जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है वुमेन्स का जो होस्ट करने वाला है वो इंडिया करने वाला है। ठीक है, ये डिसाइड हुआ था जब भी। और एक चीज ये भी बता दें कि ये एजेंसी जो है फुटबॉल की, ये फीफा के अंडर आती है। और अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, दिव्य ककरन, पिंकी एंड सरिता मोर हु वर सीन इन न्यूज रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, ये तीनों किस स्पोर्ट में से किसी का नाम सुना है? दिव्य ककरन, पिंकी, सरिता मोर, इनमें से किसी का नाम सुना है? न्यूज रिसेंटली आर एसोसिएटेड विच स्पोर्ट्स, कुछ याद करके बताइए। हेलो, हाँ जी, मेमोरी चेक कीजिए, मेमोरी थोड़ा सा याद करें, कुछ भी थोड़ा बहुत भी किन तीनों में से किसी का भी याद आ रहा हो। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ सिंपल कि ये रेसलिंग से है। और इसी तरह से जो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हों, चाहे वो कोच हों, और चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हों, उनका हमें थोड़ा बहुत याद रखने की जरूरत है कि कौन वो लोग हैं। हाँ, और कुछ एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर कुछ बुक भी लिखते हैं, तो वो भी एक जनरल नॉलेज का है, करंट जनरल नॉलेज का जनरल क्वेश्चन बनता है इस बेसिस पर भी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दूसरा एक और भी एक अच्छी चीज़ अभी क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप, कि ये लिखा हुआ है कि विच आर द कामल द मंगूस काबूम एंड एल्यूमिनियम दैट हैव बीन इन न्यूज रिसेंटली। उसमें पढ़ाता डिटेल में नहीं पता। तो मंगूस का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? बड़ा फेमस है उसका नाम क्रिकेट के फील्ड में, नेवला बोलते हैं ना उसको। नहीं, लेकिन क्रिकेट के फील्ड में मंगूस का क्या मतलब है बताइए? बैट्स, क्रिकेट बैट्स। हाँ जी, बैट्स, जैसे आप लोग सब खेलते भी होंगे, एक बहुत और फेमस ब्रांड है बताइए जिसे नॉर्मली डबल एस के नाम से जाना जाता है ना, वो भी बहुत फेमस ब्रांड है। इस तरह से ये कुछ एक ब्रांड्स हैं जिनको जो है आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, एक तरह से ये उसमें भी आ जाए आपके बिजनेस स्पोर्ट्स में, बिजनेस स्पोर्ट्स जो आपकी चीज है उसमें भी ये काम आ जाते हैं। तो
ये आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, द कैमल, द मंगो, साबुन, एल्यूमिनियम, ये रिसेंटली क्रिकेट बैट्स के लिए ये यूज हुए। मेरे नाइदर दीज आर द मिलिट्री कोर्ट्स नाइदर स्क्वाड्रॉन्स नाइदर द चैसिस, ठीक है। तो ये अब हम बात करते हैं अब, हाँ, इसमें जैसे अब चेस बोर्ड का यूज किया गया है, इन द सेम वे हर स्पोर्ट से जुड़े हुए कुछ एक टर्म भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। वो तो वो टर्म को भी थोड़ा सा देखेंगे कि रिसेंटली कुछ टर्म्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से जैसे उनके उनके बेसिस पर कोई डिसीजन में कोई जो जो कोच ने कुछ सॉरी इसने जो रेफरी होते हैं उन्होंने कुछ किसी वजह से कोई कंट्रोवर्सी अराइज हुई हो, दीज थिंग्स विच हमें उन्हें न्यूज के न्यूज में थोड़ा सा नजर रखने की जरूरत है, डेली बेसिस पर थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, मानव ठक्कर है ना, जो मानव ठक्कर है who is in news recently is a famous personality for which sports thoda ye bhi bata dijiye kis personality kaun si sports personality ye personality kis sports se jude hue hain thoda sa kuch yaad karke bataiye sir table tennis thoda sa aur bataiye aap logo mein kitne log agree karte hain ki table tennis se jude hue hain टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। ये इसी तरह से नंबर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन जो है हर एक स्पोर्ट्स के कुछ एक सेट ऑफ पीपल हैं जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में रहते हैं और जिनको अक्सर कुछ ना कुछ उनके कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सेवरल चैंपियनशिप सेवरल स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो वहां पर उनके कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से उनको जाना जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखिए। Who won the men's gold medal in 10 meter air pistol in 63rd national shooting championship? कौन ऐसे जो contributor रहे हैं जिन्होंने gold medal जीता है 10 meter air pistol में 63rd national shooting championship में? तो ये भी simple, ये जितने भी ये सब हैं ये सब basically shooter ही हैं, सौरभ चौधरी ने जीता है ये, ये याद रखिएगा। ये भी शूटर हैं, ये सेवा निर्वाल भी शूटर हैं और अभिषेक वर्मा भी शूटर हैं, ये चारों ही शूटर हैं, ठीक है जी। और 10 मीटर में जो गोल्ड मेडल जीता है वो सौरभ चौधरी साहब ने जीता है 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वोन द टाइटल ऑफ हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस, किन्होंने ये ग्रैंड मास्टर कौन से रहे हैं और ग्रैंड मास्टर टर्म किससे जुड़ा हुआ है बेसिकली, ये तो आप लोग सब जानते हैं, ग्रैंड मास्टर जो है वो चेस से चेस के जो प्लेयर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो इंडियन ग्रैंड मास्टर वोन द टाइटल इन द हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस, तो ये कुछ याद करके बताइए, कुछ सुनाओ, कुछ न्यूज याद हो। जी ये एक चीज और मैं बता दूं कि ये तीनों ही ये चारों जो ऑप्शंस हैं और ये जो चारों हमें इंडिविजुअल्स दिखाई दे रहे हैं स्पोर्ट्स में, जो स्पोर्ट्स इट्स नॉट स्पोर्ट्स, हम स्पोर्ट्स और गेम में थोड़ा सा फर्क आप ऐसे कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो थोड़ा सा आउटडोर को इनकॉर्पोरेट करके चलता है, गेम्स एक जनरल टर्म होता है जिसके अंदर इनडोर और जनरल जो ऐसे जिनको बैठ करके भी खेला जा सकता है ऐसे कुछ चैंपियनशिप उनको भी उनको गेम्स में शुमार करते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो ऑप्शन है वो पी महेश चंद्र, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये बाकी के चारों भी ग्रैंड मास्टर ही हैं, ठीक है, ये चारों ही ग्रैंड मास्टर भी हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बहुत फेयर चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन जो हैं आपको हेल्प करने वाले हैं आने वाले क्वेश्चन में, हम और भी इस तरह के क्वेश्चन को आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, फॉर हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज इमर्ज्ड एज विनर इन द मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंस इट बिगेन इन 2009,
कितनी बार इंडिया ने मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है 2009 से लेके अब तक, ये आप देख लीजिए इसको स्ट्रेट याद रखिएगा कि तीन बार जीता है 2020 तक अब तक मिलाकर के तीन बार जीता है, ठीक है जी, इसको आप याद रखिएगा। और जो तीसरी बार जीता है वो इसी बार जीता है, ठीक है। अब आप बात कीजिएगा कि पाओलोमी जो घटक है, पाओलोमी घटक who was seen in news recently is associated with which sports, ये किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं पाओलोमी घटक जो है, कुछ याद करके बताइए। ऑप्शन मेरा क्वेश्चन नंबर 11 का पाओलोमी घटक टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस को किसी और नाम से भी जाना जाता है, बता सकते हैं किस नाम से जाना जाता है, एनीवन, वी आल्सो, हाँ जी सर पिंग पोंग, हाँ जी पिंग पोंग, पिंग पोंग, पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है। और पिंग पोंग टाइप के जो गेम है और कौन से हो सकते हैं पिंग पोंग टाइप के गेम, अच्छा अभी एक रिसेंटली रिसर्च भी आई थी स्पोर्ट्स में, कौन से ऐसे कंट्री हैं जिनमें से पिंग पोंग टाइप के गेम्स में बहुत ज्यादा चैंपियंस निकलते हैं और उन्हीं कंट्री से क्यों निकलते हैं, है ना, ये अभी करीब एक डेढ़ साल पहले की रिसर्च है, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है उन्हीं कंट्री से निकलने का है, जस्ट जिनमें जिनमें चाइना कोरिया साउथ कोरिया स्पेशली जापान, है ना, ये इन कंट्रीज का टेबल टेनिस और टेबल टेनिस, अच्छा पैटर्न क्या है पिंग पोंग का आप समझ रहे हैं, पिंग पोंग का मतलब कि दो प्लेयर जो आपके नेट होता है उसके अपोजिट साइड में होते हैं, पेयर भी हो सकता है और सिंगल्स भी हो सकता है, डबल्स और सिंगल्स भी हो सकता है, सेम इसमें टेबल टेनिस में टेबल का यूज करते हैं, बैडमिंटन में नहीं करते हैं, वेल टेनिस में भी टेबल को आप ब्रॉडन कर दो तो वहां पर आपका फील्ड वो जो कोर्ट कोर्ट बन गया है ना, अगर लेकिन है इसी तरह से खेला इसी तरह से, ठीक है जी। तो इस तरह के स्पोर्ट्स में ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है स्पेशली पिंग पोंग टाइप के खेल के जो जितने भी स्पोर्ट्स हैं आपके जो ये खेले जाते हैं इन सब के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादातर इन कंट्रीज का ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखिएगा और उस रिसर्च को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो विच इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज वोन द खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020, किस स्टेट ने ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो जीती है, थोड़ा सा बताइए कुछ याद आ रहा हो तो, हाँ जी बिल्कुल महाराष्ट्र, बिल्कुल ये महाराष्ट्र ने जीता है, आप इसे जो है याद रखिए, और जिन लोगों को ने अगर न्यूज को फॉलो नहीं किया है तो वो इसे कैसे याद रख सकते हैं, बट आगे से थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। डेली न्यूज, अच्छा एक और भी चीज है कि डेली न्यूज क्लिप्स एग्जिस्ट करती हैं हमारे इसमें फोन में आती रहती है, दे आल्सो एक बहुत अच्छा एक मीडियम है जिससे हमें सारी चीजें पता चलती रहती है, सॉल्व करने में से पता चल जाता है। तो विच इंडियन रेसलर वॉज रिसेंटली इंडक्टेड इन गवर्नमेंट्स ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, अभी कौन से ऐसे रेसलर हैं जिनको इंडक्ट किया गया है गवर्नमेंट के ऑल इंडिया काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स में, तो सुशील कुमार जी को तो आप जानते ही हैं, ये भी रेसलिंग से ही जुड़े हुए हैं, दीपक पुनिया जी के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी रेसलर ही हैं, बजरंग पुनिया भी रेसलर ही हैं और योगेश दत्त भी रेसलर ही हैं। तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने इंडक्ट किया है इन्हें ऑल इंडिया काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स में वो योगेश्वर दत्त साहब हैं, इनको इंडक्ट किया है,
इनको आप याद रख सकते हैं। दूसरा कोई और नाम भी अगर आपको याद आ रहा हो, दीपक पुनिया, मैंने भी एक नाम और सुना है किसी जगह पर, दीपक पुनिया रेसलर है और मैंने क्रिकेट में भी नाम सुना है, क्रिकेट में भी सुना है। नया तो मैं देख लीजिएगा आईपीएल वगैरह में क्या कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 14, ज्योत्सना चिनप्पा एंड सौरभ रोशन आर एसोसिएटेड विद दिस स्पोर्ट्स नॉर्मली प्लेसेस पर्सन एंड इवेंट्स, ये तीन चीजें हैं, प्लेसेस पर्सन एंड इवेंट्स, ये तीन एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनता है ज्यादातर केस में, क्योंकि आपके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसके अंदर स्पोर्ट्स पर्सन और प्लेसेस और जो आपकी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं इनके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन मैं कहूंगा कि 80% क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं, और एक दो जो है वो क्वेश्चन कुछ कभी कुछ एक रूल से पूछ लिए गए हैं कि क्या कौन सा बट्टा या स्पोर्ट्स रूल एग्जिस्ट करता है, किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से एसोसिएट करता है, तो वो पूछ लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 ज्योत्सना चिनप्पा स्क्वैश, तो स्क्वैश से बिल्कुल सही है, ये स्क्वैश से ये लोग बिलोंग करते हैं। उसके बाद मोहम्मद उसामुद्दीन इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग, हाँ जी बिल्कुल बॉक्सिंग, ये अभी कुछ टाइम पहले भी न्यूज में थे, तो ये बॉक्सिंग से एसोसिएट है। और बाकी क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखते हैं, विच इज द फर्स्ट एवर हॉकी प्लेयर टू विन सिक्स वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, कौन से ऐसे हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने सिक्स वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो ये जितनी भी हैं ये हम आपको बता दें, ये जितनी भी प्लेयर इसमें दिख रहे हैं अगेन ये सब जो है आपके हॉकी प्लेयर ही, और इसमें बता दें हम आपको कि ये रानी रामपाल जो है ये कौन है, सुना है इनका नाम, वुमेन एथलीट ऑफ द ईयर हॉकी में इन्होंने इनका नाम सुना है आप लोगों ने, क्या हॉकी की जो इंडिया की टीम है इनका क्या रोल रहा है इसमें, ये लीड रही है, ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि टीम की लीडर है, टीम की कैप्टन, ठीक है जी, और इनमें से और बताएं अलग 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 एरिया के एक को संभालते हैं प्लेयर्स, तो उस हिसाब से यहाँ पे इनमें से जो प्लेयर्स हैं बताइए कि कुछ याद आ रहा हो इनका रोल बाकी का कुछ, तो जब ये चैंपियनशिप जीती है फर्स्ट एवर हॉकी प्लेयर टू विन सिक्स एडिशन वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड रानी रामपाल ने जीती है। बाकी आपको बता दें इनमें से एक जो है वो इंडिया की गोलकीपर है, और कौन है, इंडियन हॉकी टीम की गोलकीपर, याद करिए कुछ आ रहा है, मैंने टिक कर दिया, ठीक है जी। अब आप देखिए नेक्स्ट, दिव्या ककरन, पिंकी, सरिता मोर, वर्सीन रिसेंटली, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सर, ये वाला, हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है सर, रेसलिंग है सर, हाँ सर, हाँ बिल्कुल, जब कंपाइल किया है ना तो क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ना, देन आर एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स बताइए, ठीक है जी सर, रेसलिंग रेसलिंग रेसलिंग। अब क्वेश्चन नंबर 18,
who is the head of the six member committee formed by Sport Authority of India to draft procedure for resuming training after lockdown. Lockdown ke baad jo six member committee form ki Sports Authority of India ne training ko lockdown ke baad ke liye, to uske head kaun hai wo aapko bata dete hain. Rohit Bhardwaj ji. जे शाह जो है ये आपके और ओलंपिक कमेटी से जुड़े हुए हैं. जे शाह जो साहब है ये सॉरी ओलंपिक कमेटी से नहीं, ये जुड़े हुए हैं, ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं. ये हैं आपके ये सेक्रेटरी हैं शायद आपके सेक्रेटरी हैं क्रिकेट के इंडियन. ये सेक्रेटरी हैं और मुश्ताक अहमद साहब जो रहे हैं ये जुड़े रहे हैं हॉकी से, मुझे याद आ रहा है हॉकी से जुड़े रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं. और डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो है ये रहे हैं आपके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं. ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं. तो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ये हॉकी से जुड़े रहे हैं, ये आपके क्रिकेट से जुड़े रहे हैं. जैसा वो ड्राफ्ट प्रोसीजर को संभाल रहे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. हु हैज बीन नॉमिनेटेड द बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया फॉर राजीव गांधी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से. तो ये तो पता ही होगा, ये तो ये बता दूं मैं आपको. हाँ याद आ गया मुझे, बीसीसीआई के ये सेक्रेटरी हैं जैसा बीसीसीआई के सेक्रेटरी उसके बाद विच इंडियन क्रिकेटर इज सेलेक्टेड फॉर द सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर बीसीसीआई. कौन से क्रिकेटर अभी सेलेक्ट हुए हैं सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए बीसीसीआई से बीसीसीआई को? तो ये सब जानते हैं के श्री कांत साहब को ये सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है. बाकी सब जाने माने क्रिकेटर है. सुनील गावस्कर साहब का क्रिकेट के बारे में हाईली टेक्निकल क्रिकेटर माने जाते थे, काफी जल्दी जिंदा है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 सिमरनजीत कौर हु हैज बीन रिसेंटली क्वालिफाइड इन टोक्यो ओलंपिक्स इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स? सिमरनजीत कौर बॉक्सिंग. हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, बॉक्सिंग से सिमरनजीत कौर जो है वो बॉक्सिंग से जरूरी है और टोक्यो ओलंपिक के लिए रिसेंटली क्वालिफाई हुई है. राखी हल्दर हु हैज बीन न्यूज रिसेंटली एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स? हॉकी क्रिकेट वेटलिफ्टिंग एंड रेसलिंग. ये किससे जुड़ी हुई है राखी हल्दर? देखिए नाम हल्दर हल मतलब बड़ी भारी चीज होती है, तो इनके नाम से मैच कर रहा है. मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 22 में राखी हल्दर है और जो ऑप्शन भी है वेट लिफ्टिंग. जी ध्यान रखिएगा इस तरह से, मतलब कुछ एक चीजें हैं जिनको हम निमोनिक्स के फॉर्म में भी समझ लेते हैं कई बार. हल्दर तो हल भारी चीज होती है तो हम याद रख सकते हैं ये वेट लिफ्टिंग से. रेसलिंग ये हालांकि भारी भरकम खेल माना जाता है. गेम्स रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग
इसके बाद उदयनी माने हु वाज इन न्यूज रिसेंटली इज एन इंडियन प्लेयर फॉर हिज स्पोर्ट्स ये किस स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है उदयनी माने ये बोल चुके कुछ एक चीज में आपसे और उसको एक रिवाइज करना है जिससे कि हमारी मेमोरी में आ जाए कहीं किसी तरह से कि ये चीजें स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और कौन सी चीज किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो ये मैं वो आपको अभी से करूँगा इसे वो एक बार डिस्प्ले करके उसको डिस्कस करेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 Which Indian chess player recently won the Kyans Cup chess tournament? Kyans Cup chess tournament को जीतने वाले कौन से Indian chess player रहे हैं? वो देखना है। इसमें मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूँ। कोनेरो हम्पी हैं, जिन्होंने जीता है। और ये सब ये जितने भी हैं सारे ग्रैंड मास्टर ही हैं। ठीक है जी, विश्वनाथ नारायण, हरि कृष्ण, ये सब चेस प्लेयर ही हैं। और अभी जो जो चेस प्लेयर जिन्होंने ये काइंस कप चेस टूर्नामेंट जीता है वो है सोहेल ये आप याद रखिएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 इज हेल्ड इन विच सिटी इस शहर के अंदर हुआ अभी ये लेह में हुआ था और जब ये लेह में हुआ तो इसको इन जनरल जो है इसमें पैरामिलिट्री मिलिट्री इस गेम को खेलने के लिए मिलिट्री की जो रेजिमेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और ये जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप थी ये फिफ्थ आइस हॉकी चैंपियनशिप थी और इससे रिलेटेड कुछ एक टर्म भी होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन से टर्म्स हैं तो ये लेह में हुई थी इसको याद रखिए उसके बाद हु इज द हेड ऑफ द 11 मेंबर एनुअल ग्रैंड 10 एफिलिएशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तो ये जो एनुअल ग्रांट एंड एफिलिएशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई इस 11 मेंबर की वो हेड कौन है इसके ये आप देख लीजिए इसके हेड है एडली सुमरीवाला ये इंडियन एथलीट भी रहे हैं और ये जो है आपके ओलंपिक में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और बाकी जो लोग हैं जैसे आपके सैनी साहब अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये भी जो है एथलेटिक कोच रहे हैं ये बीआर सैनी साहब ये एथलेटिक्स के कोच रहे हैं वही पाठक साहब जो हैं ये आपके जो ये नेटबॉल फेडरेशन से जुड़े रहे हैं वही पाठक साहब और एसोसिएट रहे हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से भी और इसी तरह से अबू मेहता साहब भी ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं अभी जो करंट में 11 मेंबर एनुअल ग्रांट एफिलिएशन कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए उसको हैड कर रहे हैं एडलिक सुंदरवाल ये याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच कंट्री इज टू होस्ट 2022 एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप फॉर द फर्स्ट सर इंडिया ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी एशियन फुटबॉल वुमेन्स कप को होस्ट करने वाला रिपीट हो गया है कंट्री टू होस्ट एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन फॉर वुमेन्स कप इन एशिया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इसका मतलब काफी क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालने के बाद हम टेस्ट करते हैं ना एक्चुअली अलग अलग जगह से पढ़ करके न्यूज को जो अब तक फॉलो किया है उनको समझ के मुझे लगता है ये हमसे टाइपिंग में रिपीट में टाइप हो जाता है तो अब इसका आंसर तो पता ही है इंडिया ठीक है जी इनको हम स्ट्राइक आउट कर देंगे जो रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन तो क्या है ये
क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन पर थे हम थे हाँ जी तो इसका आंसर है इंडिया ठीक है जी ये देख लीजिएगा अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 विच इज द वेन्यू ऑफ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप दैट हैज बीन रीशेड्यूल्ड फॉर फरवरी मार्च 2021 कौन सा वेन्यू है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का जो रीशेड्यूल हुआ है फरवरी मार्च 2021 के लिए कुछ अभी उस बारे में कुछ न्यूज देखी है या तो चाइना Which is the venue for FIFA Under 17 Women's World Cup that has been scheduled in February March 2021? ये है आंसर भी that is India. ये भारत में होगा जी. ठीक है जी इसे याद रखिएगा. उसके बाद former World Championship sorry former World Champion Mirabai Chanu. Mirabai Chanu, who recently set a new national record in the national weightlifting championship, belongs to which state? Mirabai Chanu, जो है, वो किस state से belong करती हैं? And देखिए, that is Manipur. Manipur से belong करती हैं. Yeah, that's it. Who is the first super heavyweight 91 kg? इंडियन बॉक्सर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक गेम्स ओलंपिक गेम्स के लिए कौन से फर्स्ट सुपर हैवीवेट 91 केजी की कैटेगरी में इंडियन बॉक्सर ने क्वालिफाई किया ओलंपिक गेम्स के लिए ये सारे ही वैसे बॉक्सर्स हैं मैं आपको बता दें कि अमित मंगल भी आपके बॉक्सर हैं मनीष कौशिक जी भी आपके बॉक्सर हैं और सतीश कुमार जी भी बॉक्सर हैं साक्षी चौधरी भी आपके बॉक्सर हैं और इसमें सतीश कुमार जी ने सुपर हैवीवेट 1991 केजी के लिए क्वालिफाई किया ठीक है जी और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 सतीश कुमार जी ने ठीक है सतीश कुमार जी ने क्वालिफाई किया इसमें नीचे आंसर की है आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट मिलेगा आप इसे एक बार देखिएगा इससे आपको स्पोर्ट्स के कुल मिलाकर करीब 200 क्वेश्चंस हम आपको फॉरवर्ड करेंगे जिनमें चांसेस हैं कि आपको स्पोर्ट्स से मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी वाइज हम कोशिश ये करेंगे प्रोबेबिलिटी वाइज आपको क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए आउट ऑफ दैट मच जो क्वेश्चंस हम आपको देने वाले हैं अभी ये नियरली 50 क्वेश्चंस हैं तो इसी तरह से स्पोर्ट्स पर भी हम कोशिश करेंगे कि कोशिश क्या हम 200 क्वेश्चन तो आपको कराएंगे ही कराएंगे एटलीस्ट इस तरह के जो हमारी अपनी समझ से जो हमने एक्सट्रापोलेट एक्सट्रापोलेशन का मतलब बताएंगे क्या होता है एक्सट्रापोलेट हाँ सर मालूम है सर बताइए जरा एक्सट्रापोलेट का मतलब क्या होता है सर जहाँ से आपने बेसिकली हिंदी में बोलते छाटा है मतलब सब अलग अलग सोर्सेस से हाँ एक्सट्रापोलेट मतलब एक्सट्रापोलेट का मतलब तो जहाँ से मतलब आपने नहीं 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 ये स्टैटिस्टिकल टर्म है एक और भी टर्म मैं बता लिख देता हूँ यहाँ पर इंटरपोलेट ये आप पढ़ लीजिएगा इंटरपोलेट ये दोनों ही स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए टर्म है और इन जनरल हम इनको अपने कॉमन पार्लेंस में भी कभी कभी यूज करते हैं पिछले 4 महीने 6 महीने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया पढ़ा समझा और उसको उसके बेसिस पर हम कोई कुछ कुछ चीजों को हम हम करने या बताने की कोशिश करते हैं और जनरली इसमें स्टैटिस्टिकल टूल यूज होता है तो अभी तो फिर भी बीच में मुझे आया ख्याल तो आप लोग से जो ग्रोशन की तरफ हैं तो ये चीज़ थोड़ी आपको पता होनी चाहिए अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 विच कंट्री इज टू प्ले हॉस्ट टू द 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप कौन सा कंट्री जो है वो हॉस्ट करने वाला है
आईसीसी 23 जो है जो वर्ल्ड कप है उसको बताइए जरा 2023 में जो क्रिकेट क्रिकेट का वर्ल्ड कप होना है कहाँ होना है याद है कुछ? हाँ जी 2023 का वर्ल्ड कप क्रिकेट का क्रिकेट तो हमारा इंग्लैंड में होगा सर। अब की बार कहाँ हुआ था इस बार? लास्ट टाइम इंग्लैंड में तो हुआ था 2019। हाँ तो इस बार का कुछ शेड्यूल देखा तो याद पिछले बार पहले पे पिछला जब वो हो रहा होता है आपका वर्ल्ड कप हो रहा होता है उसकी मैं आपको बताई चल जाता है थोड़ी ये शेड्यूल तो काफी पहले से डिसाइड हो जाता है। भारत में होने वाले हैं 2023 में। हाँ इंडिया। ठीक है जी। Which former Indian cricketer has been named the chairman of national selection panel? And में से कौन से ऐसे cricketer हैं जिनको national selection panel का chairman बनाया गया है? अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, क्रिस श्रीकांत और सुनील जोशी। क्रिस श्रीकांत कौन से हैं? पूछिए आप दो अभी अभी बनाया अरे चीखे मत अरे मैं छोटे बच्चे ना उनको जिसको किस गेम से बिलोंग करती है जिनको डायरेक्ट बर्थ मिली है वर्ल्ड कप 2021 में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन वुमेन टीम 2021 देख लीजिए एक बार। बराबर देख लीजिए Indian women team of which game is the game has acquired direct first to participate in the World Cup? Football ही लग रहा है सर। हमारी जानकारी के हिसाब से हॉकी सर। हमारी जानकारी के हिसाब से क्रिकेट है जी। ठीक है जी। एक बार देख लीजिए क्रिकेट। Thank you, cricket. Let's go ahead. Question number 34. Which country is set to host men's edition of the Junior Hockey World Cup 2021? कौन सा देश है जो men's edition Junior Hockey World Cup 2021 को host करने वाला है? का जो Junior Hockey World Cup होने वाला है, men's edition. कौन सा कंट्री उसको हॉस्ट करेगा? इंडिया। ठीक है जी। आने वाले समय में तो कुछ बड़ी जो सीरीज है वो बड़े टूर्नामेंट वगैरह इंडिया के अंदर होने वाले हैं। तो अब उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है करंट का, इसको हम देख लेते हैं। व्हिच वाज हु वाज द हेड ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी क्रिकेट कमेटी व्हिच हैज रिकमेंडेड टू बैन using saliva to polish the ball. जिस कौन से आईसीसी की जो क्रिकेट कमेटी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की उसके जो हेड बनाए गए और इस चीज के लिए कि जो बॉल को पॉलिश जो उसकी डिस्ट्रोक की जाती है एक अच्छी खासी डायनेमिक्स होती है एरोडायनेमिक्स होती है बॉल की जाती है तो कौन रहे हैं उसके हेड ये आप मेरे को बता दें कि मेरे साथ रहे हैं। ठीक है जी। अब आप आइए स्टैटिक जीके पर।
ट्रैफिक जीपे स्पोर्ट्स एंड गेम्स पर हम बात करते हैं। ये ट्रॉफी जो है वेलिंगटन ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है, इससे रिलेटेड मैं एक डॉक्यूमेंट आपसे भी थोड़ा से हेलो हाँ जी हाँ सर, आपने क्वेश्चन पूछा क्या हम लोग से हमसे? हाँ वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई है? हाँ सर सर रोइंग। इस तरह से कुछ ही क्वेश्चन आपके पिछले जो पेपर है उसमें देखे तो मुझे लगा कि तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन है ये आपके पास होनी चाहिए। मैं इसको इसमें ड्रॉप किया है आगे के क्वेश्चन। देखिए आपको स्क्रीन। हाँ सर दोनों देखिए, ये देखा आपको डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट ये देखिए, स्पोर्ट्स हैं इससे एसोसिएटेड जो ट्रॉफीज हैं, कप्स हैं, चैंपियनशिप हैं वो उसमें हमने, और ये आपको ऑलमोस्ट हर जनरल नॉलेज के बुक में मिलेंगे। ठीक है जी, ये हम आपको बता दें, इट्स नथिंग न्यू, इसीलिए स्टैटिक है ये। आप इस देख लीजिए, आगा खान कप है, हॉकी से जुड़ा हुआ है, बर्ना बैलक कप है, टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है, ब्रिंगटन कप है, हॉकी से जुड़ा हुआ है, बैंगटन कप सॉरी जार कप है, ये पोलो से जुड़ा हुआ है, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से, ये इस तरह से ये डॉक्यूमेंट है, ये भी हम आपके पास भेज देंगे। जैसे वेलिंगटन ट्रॉफी रोइंग से जुड़ी हुई है, जैसे आपका अब ये स्टेडियम्स हैं, कौन कौन से स्टेडियम किस किस लोकेशन पर हैं। सर आगा खान कप तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। हाँ आगा खान कप फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अभी हमने हमारे डॉक्यूमेंट में किसमें है हॉकी लिखा है सर, आगा खान कप हॉकी से, हॉकी से जुड़ा हुआ है, आगा खान कप फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, चेक करें एक बार। हाँ जी सर, आगा खान कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट इवेंट इट इज? हॉकी ओनली। हॉकी? यस सर। ये रुकिए, ये तो मैंने डॉक्यूमेंट आपके टाटा मैटेरियल की बुक से लिया है। इट्स हॉकी सर। हां हॉकी मार, इफ यू हैव मैं ये इफ यू हैव चेक दैट इट मस्ट बी हॉकी, लेट मी चेक। सर आगा खान गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल बट दो है सर, गोल्ड कप इज बांग्लादेश हाँ तो मैं हाँ मैम हम आपको एक बात बता देते हैं, हम आपको ये बताएंगे कि हमने किस सोर्स से ये आपका ये जो जो भी हमने लिया है ये हमने किस सोर्स से लिया है। आगा खान कप हॉकी ये इंडियन लिए हमने सारे, तो आगा खान कप हॉकी है और ये स्पोर्ट्स को हमारा वही कह रहा है। हम आपको बता दें ये बुक है, आपको बता देते हैं एडगर थोर एंड ये पियर्सन एजुकेशन की बुक है और ये हमने पियर्सन एजुकेशन की बुक में से लिया गया, दैट टू अपडेटेड एडिशन। तो क्या इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, हमने क्या इसमें शो किया है? हाँ सर सही है, बात ये ऑनलाइन वो ये दिखा रहा है आगा खान गोल्ड कप, दैट इज बांग्लादेश का फुटबॉल रिलेटेड कप, तो वो गोल्ड कप और खान कप में वो हो रहा है। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं टाइपोग्राफिकल एरर होगी क्या है, हमने सही सोर्स को यूज किया है, हाउ कैन वेरीफाई भी किया है ऐसी बात नहीं।
तो क्या है आंसर इसका आप लोगों के हिसाब से? हॉकी। हॉकी, हॉकी है, बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा। Which one of the following wood is used in the cricket match? Cricket bat, sorry, making cricket bats में कौन सी लकड़ी यूज होती है? ये आपने देखा भी होगा, इंग्लिश विलो और क्या कहते हैं इंडियन विलो, कुछ कुछ क्रिकेट के बैट्स के लिए हम जब खरीदने जाते हैं तो ये हम देखते हैं ना कि हम इंग्लिश विलो ले रहे हैं या इंडियन विलो ले रहे हैं, उसके अंदर कौन एक्चुअल में जो हमने इंग्लिश विलो बोला है तो वो लकड़ी कौन सी है ना, तो ये आप को बता दें कि इसमें जो क्रिकेट बैट को बनाने में जो लकड़ी यूज होती है वो होती है सेलेक्स परपेरिया, ठीक है, सेलेक्स परपेरिया लकड़ी यूज होती है। बाकी लकड़ियां जो है ये सेड्रस देवदार की अगर हम बात करते हैं तो इसको इंडियन विलो बोलते हैं, है ना, और ये इंग्लिश विलो है, इसको इंग्लिश विलो बोलते हैं सेलेक्स परपेरिया, और सेड्रस देवदार जो है ये आपका इंडियन विलो है जो सस्ते बल्ले बनते हैं उनके लिए, ठीक है जी। और बाकी जो लकड़ियां हैं ये इन लकड़ियों का कोई खास रोल है नहीं क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल पे इनके बल्ले बनाने के लिए, तो मेन रोल है वो सेलेक्स परपेरिया का, इसको इंग्लिश विलो के नाम से जाना जाता है। ज़ारा कप याद रखिएगा इसको कि जो ऑप्शन है वो सी है, ठीक है। और ज़ारा कप इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स? पोलो। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ ये स्टैटिक है, स्टैटिक है, इसको तो आप कहीं भी पाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये दिस इज सिंपली कि आपको ये एक बार रिफ्रेश हो जाए मेमोरी, आप आगे भी अगर कहीं पढ़ेंगे तो आप फटाफट पहचान लें कि हाँ जी ये है। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच साइड ऑफ द रग्बी फुटबॉल? रग्बी फुटबॉल के मैं के दोनों जो ईच साइड है ना 15 खिलाड़ी होते हैं, ये ध्यान रखना है। हाईएस्ट टाइटल इन जूडो, जूडो में हाईएस्ट टाइटल कौन सा होता है? ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट, 10th डैन, 12th डैन, सर ब्लैक बेल्ट या 10th डैन? हां 10th डैन होता है जी, ठीक है जी, हाईएस्ट टाइटल इन जूडो इज 10th डैन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेडर कप जो फेमस टूर्नामेंट है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये गोल्फ से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये हम यहाँ पर ये छोटा सा डॉक्यूमेंट है, इसको हम आपसे शेयर करेंगे, इसको एक बार आप नजर मार लीजिएगा, क्योंकि अगर ट्रॉफी और कप आए तो वो इससे बाहर नहीं आएंगे, है ना, तो ये आप यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये सब इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हम ये कुछ अगर स्टेडियम के बारे में पूछा जाता है तो आप स्टेडियम के बारे में आप देख सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनके पर्टिकुलर जो एरियाज हैं उनको क्या क्या बोलते हैं, जैसे बैडमिंटन के लिए कोर्ट बोलते हैं, बेसबॉल के लिए डायमंड बोलते हैं, बॉक्सिंग के लिए रिंग बोलते हैं, क्रिकेट के लिए पिच बोलते हैं, गोल्फ के लिए लिंक और ग्रीन बोलते हैं, लॉन टेनिस के लिए कोर्ट बोलते हैं, स्केटिंग के लिए रिंक बोलते हैं, रसनिंग के लिए रिंग एंड एरिना बोलते हैं, इसी तरह स्केट अभी जैसे हम बात कर रहे थे आइस हॉकी, तो आइस हॉकी में भी रिंक वर्ड यूज होता है, ये मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर भी आप आइस हॉकी के लिए भी रिंक रिंक जो टर्म है वो जो जहाँ पर आप आइस हॉकी खेली जाती है तो वहाँ पर भी रिंक टर्म यूज होता है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है जी। विच सिटी विल होस्ट 2020 कॉमनवेल्थ गेम? कौन सा कंट्री होस्ट करेगा 2022 का कॉमनवेल्थ गेम? ये एक सिंपल ये एक्चुअली ऊपर होना चाहिए था क्वेश्चन, सॉरी ये मैंने कोई इसमें आपके स्ट्रेटेजिक ड्यूटी के में डाल दिया है, ये आपका करंट का पार्ट होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा डरबन साउथ अफ्रीका में, हाँ डरबन साउथ अफ्रीका में ये वहाँ पर होना, ठीक है। कॉमनवेल्थ जो 2020 है ये आपका साउथ अफ्रीका डरबन में होना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बुलसाई किससे जुड़ा हुआ है, किसी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, शूटिंग से जुड़ा हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे शूटिंग के जो ये जो फील्ड बना होता है इसका, इसको बताएंगे सबसे ये जो रेंज होती है इस रेंज में सबसे इनर पार्ट को तो हमने बुलसाई बोल दिया, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया इस वाले को क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया जरा देख के बताइए क्या बोलते हैं? सबसे अंदर वाले पार्ट को तो बुलसाई बोलते हैं, उससे जस्ट बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हाँ जी, फिर उससे थोड़े से बाहर वाले को क्या बोलते हैं?
पता करके बताएंगे ठीक है ना. आई विल बी डिस्कसिंग दिस ऑल इन नेक्स्ट क्लास. आप में से किसी के पास एनसीसी रही है? नेशनल कैडेट कोर से जुड़े हो या जुड़े हो आपको कभी किसी ने ये सर्टिफिकेट दी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट लिया है? नो सर. बॉयज में एनसीसी का फुल मतलब एनसीसी से नहीं जुड़े आप लोगों क्या स्काउट गाइड से जुड़े? स्काउट एंड गाइड जुड़ना चाहिए था ना, उससे पता चल जाता आपको बुल्स पाई मैक पाई आउटर. एक बार बात मैंने बता दिया ठीक है. लोगों के मुझे और बताइए. क्वेश्चन नंबर 10 वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? स्विट्जरलैंड. इंफॉर्मेशन है जी बिल्कुल लॉजन स्विट्जरलैंड में. हां जी बिल्कुल लॉजन स्विट्जरलैंड में है बिल्कुल सही है स्विट्जरलैंड. हां जी. व्हिच इंडियन क्रिकेटर हैज रिटन द बुक द वनडे वंडर? किसने ये बुक लिखी है ये भी बता दो हमको. सुनील गावस्कर साहब ने लिखी है ठीक है. वनडे वंडर से याद रखिएगा. Which of the following trophies is not awarded in the cricket? Cricket में इनमें से कौन सी ट्रॉफी नहीं दी जाती है? देवधर ट्रॉफी, हाँ जी, ऐसी रणजी ट्रॉफी तीनों क्रिकेट से जुड़े हुए हैं. वाइल रेडर कप इज नॉट रिलेटेड टू द क्रिकेट. ग्रीन पार्क स्टेडियम इज सिचुएटेड वेयर इट इज सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन कानपुर. कानपुर का जो स्टेडियम है इसको ग्रीन पार्क स्टेडियम बोलते हैं. Term pitcher is associated with which which sports or game? किससे जुड़ा हुआ है इनमें से? Wrestling, boxing, basketball, baseball. Baseball. Baseball से जुड़ा हुआ है. और इसको हमने थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है. आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड टर्म जैसे बैडमिंटन से ड्रॉप है, ड्यूस है, स्मैश, डबल टच, क्लैच सर्विस, लव सर्विस लाइन, बेसबॉल से बंटिंग, होम पिचर, फुट आउट स्ट्राइक, बास्केटबॉल से ब्लॉक, ड्रिबल, हेल्ड आउट, पिवट बास्केट, इन द सेम वे चेस से गैम्बिट, स्टेलमेट मूव, रिजाइन, चेकमेट, किंग क्वीन, दिस अप एंड ऑल दिस. ये हमने पूछे कि ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा. आप इसे एक बार बस नजर मार लीजिएगा. ये आपको मतलब इन केस इफ एनी क्वेश्चन कम्स आउट ऑफ दिस टर्म्स संतोष ट्रॉफी सबको पता है किससे जुड़ी हुई है? संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद प्लेयर. किससे जुड़ी हुई है प्लेयर बताइए किससे जुड़ी है? फुटबॉल. संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से देखने यहाँ पर संतोष ट्रॉफी ठीक है जी. फुटबॉल से बाकी आपको जो है हम ये डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे. देर भाई ये 50 क्वेश्चन है जिनको हमने देखा है कि ये आपके जो है काफी हद तक उम्मीद है कि प्रोबेबिलिटी वाइज अभी जितनी भी रिसेंटली इवेंट्स हुई हैं काफी हद तक कवर करने की कोशिश की और फ्यू मोर क्वेश्चन ठीक है. आप लोग प्लीज नजर रखिए न्यूज पर भी उतने भर से काम हो जाएगा. मैं बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है ना हमारी नजर और हमारी बस आंखों का गुड नाइट एंड सी यू इन नेक्स्ट.